नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल उड़ू अबीबी में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टेड वीडियो लाया हूँ जिसमें दीपक पांचटा जी आपको स्प्रे के बारे में बहुत सारी जानकारी देगी। पतझड़ के बाद जैसे ही शीत ऋतु आती है, पौधा कई स्टेज से होकर गुजरता है, जैसे डोरमेंसी, उसके बाद हाफ पेटल, पिंक बर्ड। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे कुछ व्यूअर हैं, उन्होंने बताया था कि दीपक पांचटा जी की पूरी वीडियो आप अपलोड करें, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है। आप इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें। फ्रेंड्स, मैं फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डालते हमेशा कॉम्बिनेशन में ही पड़ती है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नहीं डाली जाती, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक नहीं डाली जाती, तो वहाँ आप बेबी स्ट्रीम भी उसमें डालते हो और ये सारा मिक्स कर सकते हैं आप, और उसको भिगोना नहीं है फूल। मैक्सिमम हमारे बड़े बड़े पेड़ हैं जी, आपने टाइमिंग भी बता दे तो कब करनी है स्प्रे। ये आपने स्प्रे करनी है जब आपके 10 से 15% फूल आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है जी, जब पिंक स्टेज होती है, ऊपर टाइट क्लस्टर ही होते हैं हमारे और नीचे फूल आ जाते हैं और ऊपर वो असर नहीं करते, इसलिए थोड़ा वेट करो, 10-1% फूल आने दो ताकि ऊपर तक पिंक बर्ड आ जाए। जिंक चलेटी 100 ग्राम, बोरॉन 200 से 250 ग्राम, यूरिया आप ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से डालना है, अदरवाइज आप बेबी स्टीम या इसके अलावा कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड उसमें ऐड करके स्प्रे करो, और थोड़ी थोड़ी करनी है, सिर्फ धुआं सा देना है, भिगोना नहीं है। वो क्या करेगा, आपकी सेटिंग में मदद करेगा। अच्छा जी, एक भाई का सवाल था और पीछे कि इन्होंने पीजीआर लिया है, प्रोमोलिन बनान जो भी हारमोन है जो भी दिए, वो आपने 60% फूल पे करना है। पिंक बर्ड की स्टेज की स्प्रे यही करनी है। अगर आप तो मौसम अच्छा लग रहा है फिर ये चीज़ डालो, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मौसम फेवरेबल नहीं है इस साल, वैसे कल से मौसम अच्छा है जी, जो अभी शो कर रहा है ना नेट के थ्रू ठीक तक आ रहा है, अगर उसके बावजूद भी दिक्कत आती है, जो पीजीआर हमने डाला है जी प्रोमोलिन या फरलान, उसकी आपने एप्लीकेशन जब आपके 25-30% फूल हो गए तो 200 ml की स्प्रे करनी है बगीचे में थोड़ी थोड़ी। उससे क्या होगा, ये इसकी एडवांस ही आ गई जी, जिंक बोरॉन की नहीं, वो अलग एडवांस आ गई, वो भी सेटिंग में मदद करेगा, पीजीआर से नहीं चिपकाता है। सर एक बात पूछना चाहूँगी मैं, जैसे आप कह रहे थे ना वो छींटे आपने जगह जगह में रखने हैं, हमने रखे हुए हैं, कई उन्होंने कहा कि भाई ये कहते हैं कि बगीचे में इनको नहीं चलाना, इससे बीमारियां लग रही हैं, क्या ऐसा है? इससे कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है उसका कंपोस्ट करके खाद बनाना। आपने जिस आदमी ने नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाई, मैंने बनाई है सर। चलो ये तो अच्छी बात है जी, मैंने नहीं बनाई, मैंने रखे हैं जी अभी के लिए, मैं जलाऊंगा मगर आजकल जलाऊंगा, जब रात का टाइम तक पाले पाले पड़ने का कभी खतरा होगा ना, तो शाम के टाइम माचिस लगा दो, एक एक जगह पूरा क्लाइमेट गर्म कर देगा। वो फॉरेन में भी टेक्निक अपनाई जाती है जी, कुछ भी डालो जी गर्म करना हो, सबसे अच्छी चीज़ है जी जलाने के बजाय आजकल जलाओ, क्योंकि आजकल ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बारिशें हो रही है। हम तो जलाते ही सर पहले ना तो रखा होता है, वैसे हमारा मौसम तो आपको पता है व्हाइट ठीक रहता है, वैसे ज़्यादा। अच्छा जी, आजकल एक बड़ा तगड़ा ट्रेंड चला है जी के इंसेक्टिसाइड डालने का, मैंने परसों भी एक पोस्ट देखी जी, हमारी एक कोऑपरेटिव है और सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा था कि भाई HMO के साथ आप इंसेक्टिसाइड जरूर डालें। बड़ी हैरानी की बात है जी, एक कोऑपरेटिव इस तरह की बात शेयर करेंगे, नहीं जी मैं बताता हूँ आपको, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर किया जाता, ना करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड तब यूज करना है जब आपको ज़रूरत महसूस हो, बिना ज़रूरत के क्यों करना जी। अच्छा जी, इंसेक्टिसाइड कितनी तरह के आते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड है जी जो गुलिया फीड मारने के लिए, कोई इंसेक्टिसाइड है जो स्पेशल स्केल के लिए, हमारे को तो ये पता होना चाहिए हमने डालना क्या है,
मैक्सिमम जगह जी अगर तो आपको बोले या फिर दिख रहा है तो जैसे इनका डर में टाटा देखो FMC वालों का या जो कोई भी क्लोरोफोरी फोर्स आता है वो तब डाला जाता है जी अगर आपके बुलिया फिट की शिकायत है, अगर बुलिया फिट नीचे में दिख रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे तो कोई बुलिया फिट नहीं है तो मैं क्यों डालूँगा इसको? इससे क्या होगा जी, फ्रेंडली कीड़े कीड़े ही मरेंगे हमारे, उनको नहीं मारना है। करण जी, अच्छा जी, जो आपके समर ऑयल या TS होता है वो ऑलरेडी इंसेक्टीसाइड खुद होता है, छोटा मोटा काम तो खुद करता है। अच्छा जी, फिर आती है स्केल की बात, कि आप उस स्केल के लिए क्या करेंगे? हमारी तो बहुत ज़्यादा रहती है सर जी हाइट में ना। तो जी आपको ना जी अगर स्केल की शिकायत है तो आपने क्या करना है, दिसंबर में अगले साल अभी वाली बताऊंगा मैं कि क्या करना। अब सबसे अच्छा काम है जी दिसंबर में स्केल सबसे बड़ी जी, जब से हमने आप जैसे बुजुर्गों को कहा छोड़ा, कहना छोड़ा, आप लोगों को क्या जो बोला वो नहीं सुना। पहले आप लोग TSO डालते थे, क्या रेशो से डालते थे, 8-9, आज कितने पे आ गए हम 4 पे। उससे क्या हुआ, स्केल बढ़ रही है, वो काम नहीं कर रहा, हमने दोबारा से वही डोज ऊपर लाना है अगर आपको स्केल की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक दूसरा क्या जी, कास्टिक सोडा है, एक साल कास्टिक सोडा डालो दिसंबर के महीने में 2 किलो पर ड्रम, अगर आप पहली बार डाल रहे हैं उससे स्केल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगी। और अगले साल आप TSO डालो हैवी डोज में दोबारा से, और कास्टिक सोडा रेगुलर नहीं डालना, हर तीसरी चौथी साल रिपीट करना। अब तो जी बड़े अच्छे टेक्निकल आ गए हैं उसके, क्या नाम है आपके, स्केल मारने के लिए ना जी, टाटा का अपलोड करके आता है एक प्रोडक्ट के, ये चीज़ें आपने देखनी है कि आप किस लिए इंसेक्टीसाइड डाल रहे हैं। बिना जरूरत के मत डालो, अगर जरूरत होगी तभी डालो। इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कहाँ से शुरू करें, ग्रास रूट से अगर हम अपने यूथ को, बच्चों को उससे जोड़ के देखें, क्योंकि ये तो क्लियर कट बात है कि आपके बचपन में इतना पता लग जाएगा कि हमारा बच्चा किस काबिल है। अगर तो इस काबिल है कि भी अच्छी मुकाम एजुकेशन के थ्रू बहुत आगे जाएगा। अगर हमने लास्ट में बागवानी कर ली, अंकल अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो सही, 95% के बच्चे तो आज भी बागवानी और पढ़ते हो साइंस है, तो साइंस तो इसमें लगता है, चलो साइंस लगता है, एजुकेशन जरूरी है, मगर हॉर्टिकल्चर बेस्ड होनी चाहिए ना एजुकेशन हमारी। या तो आप नौनी से पढ़ाओ, अपने साइड ले जाओ, तो ये चीज़ें बड़ी देखने वाली बात है। और जब तो हम लोगों ने शुरू किया था हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं था, आज तो इतना ओपन प्लेटफॉर्म हो गया कि हर आदमी जुड़ा है किसी न किसी ग्रुप में यूथ के साथ, इजी गोइंग हो गया हर काम।